महाराष्ट्र पुणे खाते पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ना विरोध प्रदर्शन रैली में कथित रीते पाकिस्तान समर्थित नारा बोलाव्या हता। आ घटना बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ना प्रमुख राज ठाकरे चेतवनी उच्चारी छे। राज ठाकरे कहू छे के जो हिंदू और मराठी आ मुद्दा ने पोताना हाथ में लई लेशे तो तहेवारो दरमियान अशांति फैलाई जशे। राज ठाकरे कहू हतु के जे हिंदुस्तान ना हिंदू और मराठी हिंदू आ मुद्दा ने पोताना हाथ में लेवानो निर्णय लेशे तो तेमनु शुं थशे मने ते कहेवानी पण जरूर नथी। जो एम बनशे तो त्यौहारना समय में अशांति फैलाई जशे। आ माटे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों ने तात्कालिक समाप्त करी देवामां आवे ते सारू रहेशे। राज ठाकरे कथित रीते पाकिस्तान समर्थित नारा बोलनाराओ माटे कह्युं के जो तेमनी मानसिक स्थिति आवी छे तो तमारो धर्म पकड़ो और पाकिस्तान उपड़ी जाओ। अमारा देश में आ प्रकारना नाटकनी मंजूरी नहीं आपवामां आवे। आ साथे ज तेमणे केन्द्र और राज्यना गृहमंत्रीओ आवा संगठनों सामे आकरी कार्यवाही करे तेवो आग्रह कर्यो हतो। बीजी तरफ महाराष्ट्र भाजपे पण पीएफआई पर प्रतिबंध मुकवानी मांग करी छे। जम्मू काश्मीर कुपवाड़ा जिला में सुरक्षा दलों ने सफलता हाथ लगी है। अं सुरक्षा जवानों बे आतंकवादियों ने ठार मार्या है। तेमनी पासे थी बे AK-47 राइफल, बे पिस्तोल और चार हैंड ग्रेनेड मिली आया है। आ अथड़ामण बाद सुरक्षा दलों आसपास विस्तारों में सर्च ऑपरेशन हाथ धरू थ। कुपवाड़ा में भारतीय सेना और जम्मू काश्मीर पुलिस संयुक्त ऑपरेशन में बे आतंकवादियों मार्या गया था। सुरक्षा दलों ने आतंकवादियों वच्चे आ एन्काउंटर कुपवाड़ा माछिल विस्तार में LOC टेकरी नार खाते कर। अमेरिकाना न्यूयॉर्क खाते संयुक्त राष्ट्र महासभाना 77मा सत्रना संबोधन में विदेश प्रधान एस जयशंकरे संबोधन चीन और पाकिस्तानू नाम लीधा विना आकरा प्रहार कर्या। तेओए चीनने संयुक्त राष्ट्र तरफथी जाहिर करेल आतंकवादियों ने ब्लेकलिस्ट न करवाने लई आकरो संदेश आप्यो। साथे ज पाकिस्तानू नाम लीधा विना निशान ताकता सरहद पार आतंकवाद ने लईने पण निशान ताक्यो। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फॉर डेकेड्स इंडिया फर्मली एडवोकेट्स अ जीरो टॉलरेंस अप्रोच। इन आवर व्यू there is no justification for any act of terrorism regardless of motivation, and no rhetoric however sanctimonious can ever cover up blood stains. The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators, those who politicize the UNSC 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorists. They do so at their own peril. Believe me, they advance neither their own interests nor indeed their reputation. संयुक्त राष्ट्र महासभा में रशिया फरी एक बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ना कायमी सभ्य बनवा माटे समर्थन आप्यु छे। रशिया ना विदेश प्रधान सर्गेई लवरोवे कह्युं छे के अमे आफ्रिका, एशिया अने लेटिन अमेरिका ना देशों ना प्रतिनिधित्व द्वारा सुरक्षा परिषद ने वधु लोकशाहीकरण करवानी संभावना जोई रह्या छे। खास करीने भारत अने ब्राजील सुरक्षा परिषद में स्थायी सभ्य तरीके समावेश थवो जोईए। आ पहेला 31 अन्य साथे देशोनी साथे भारते सुधारा परना संयुक्त निवेदन में कह्युं हतुं के सुरक्षा परिषद ने स्थायी अने अस्थायी एम बंने श्रेणी में विस्तृत करवी जोईए, तेमज तेना काम करवाने रीत में सुधारो करवानी हिमायत करवामां आवी हती। चीने शनिवारे ताइवान परना पोताना दावानी प्रतिबद्धता आपता कहू हतु के जे कोई पण स्वशासित टापू ने फरीथी जोड़वाना तेना संकल्पना मार्ग में आवशे तेने आकरा जवाब नो सामनो करवो पड़शे। चीने ताइवान पर पोताना दावानो मजबूतीथी बचाव कर्यो छे। 1949 ना गृहयुद्ध बाद ताइवान चीनथी अलग थई गयुं, तेम छतां चीने ताइवान पर पोतानो दावो चालू राख्यो छे अने तेने पोताना एक प्रांत तरीके जुए छे। चीनना विदेश मंत्री वांगीए संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहू के ज्यारे चीन एकीकृत थशे त्यारे ज ताइवान सागर क्षेत्र में साची शांति स्थापशे। बहारनी दखलगीरीनो जवाब आपवा माटे सौथी वधु जबरदस्त पगला उठावीशु। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिवना स्पीकर नेन्सी पेलोसीनी ताजेतरनी ताइवान मुलाकात बाद अमेरिका अने चीन वच्चे तनाव वधी गयो छे। चीन माटे ताइवान देशनी नीतिनो मुख्य मुद्दो रह्यो छे। चीने शुक्रवारे अमेरिका पर ताइवानना मुद्दे खूब खोटा अने खतरनाक संकेत मोकलवानो आरोप लगाव्यो हतो। उत्तराखंडना पौड़ी जिल्लाना एक रिसोर्ट में 19 वर्षनी रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारीनी हत्या ने लई लोकोमां भारे आक्रोश छे। लोकोए आरोपीने फांसी अने पीड़ित परिवार ने वळतरनी मांग करी छे। आ दरमियान अनेक जग्याए विरोध प्रदर्शन थया, साथे ज लोकोए बद्रीनाथ हाईवे पण ब्लॉक करी दीधो हतो। देहरादूनमां केन्डल मार्च पण काढवामां आवी हती, साथे ज पीड़ित परिवार पण दीकरीना न्याय माटे अड़ग छे। अंकिताना पिताનुं कहेवुं छे के ज्यां सुधी न्याय नहीं मळे त्यां सुधी अमे अंतिम संस्कार नहीं करीए। प्राथमिक रिपोर्टमां अंकिताना मोत पहेला तेना पर हुमलो होवानी पुष्टि थई छे। अंकिताने न्याय आपवानी मांग देशभरमां उग्र बनी छे। उत्तराखंडना श्रीनगरमां पण तमाम बजारो बंद राखवामां आव्या हता, जो के प्रशासनની સમજાવટ બાદ અંકિતાના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા। हम ये चाह रहे हैं कि अंकिता के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, इसमें किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए
और वहाँ पे जो योग की नगरी है, जो हमारा देवभूमि है, योग की नगरी को वहाँ पे भोग की नगरी बना रखा है, और वहाँ पे जो अवैध रूप से जितने भी रिसोर्ट चल रहे हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, और ये जो हत्यारे हैं, अंकिता के हत्यारे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और इन्हें किसी भी कीमत से फांसी से कम में हम लोग मानने को तैयार ही नहीं है। इनको फांसी होगी तब तभी ये होगा, नहीं तो हम लोग, मेरी भी दो बेटी है, अगर इसी प्रकार होते रहा तो कौन अपनी बेटियों को अपने नीचे काम पे के लिए या सर्विस के लिए भेजेगा। हमें बड़ा दुख हो रहा है, तो इसलिए अंकिता के हत्यारों को किसी भी कीमत पे फांसी के सिवाय कुछ भी मंजूर